नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक मिनट्स। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड है। कैसा अभी बैंक परफॉर्म कर रहा है, लगभग 2 मंथ से हम लोगों ने इसको एक बार डिस्कस नहीं किया है क्योंकि काफी ज्यादा डाउनफॉल था। हम लोगों ने इसमें 100% से ज्यादा का रिटर्न भी बुक कर रखा है और बहुत बार इसको ट्रेडिंग पर्पज से भी एंट्री लिया है शेयर में। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कहाँ पे एंट्री ले और क्या टारगेट रख सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अभी लेटेस्ट में कैसी नजर आती है, सब कुछ विस्तार से समझने वाले हैं इस वीडियो में। जो चैनल पे नए हो चाहे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज और डिविडेंड अनाउंसमेंट रिलेटेड पोस्ट के लिए, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग VIP मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आपको काफी सारे बेनिफिट हैं, जिसमें से एक ये है कि आप अपने मन पसंदीदा जिस पे आपका मन करे उस टॉपिक पे आप शेयर पे वीडियो बनवा सकते हैं और उस पे भी आपको कोई डाउट है तो वो भी आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट IDFC फर्स्ट बैंक को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ से अब हो चुके हैं कंपनी को डिस्कस किए हुए। देखिए ड्रेस, मैंने आपको एयरकॉम इंटरनेशनल शेयर के ऊपर अपडेट किया। जबरदस्त कंपनी है, हाईली रिकमेंडेड शेयर है। जो लोग ट्रेडिंग और डिविडेंड पर्पस से जाना चाहते हैं वो बिल्कुल इस कंपनी को चूज कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन है। स्प्लिट भी देती है, डिविडेंड भी देती है और तो और रिटर्न भी आपको मिल जाता है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को भी डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जिनको आप देख सकते हैं, अगर आपको सही लगता है तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट IDFC फर्स्ट बैंक को डिस्कस करते हैं। तो 47.10 के अराउंड ट्रेडर्स ये ट्रेड कर रहा है। रीजनल बैंक आ जाता है। अक्टूबर 28 को इसके अर्निंग के रिजल्ट हैं, मतलब 1 मंथ कह लीजिए अब 1 मंथ। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो अभी आ रही है वो माइनस में 3.5 है, तो 0.35 है। तो इस हिसाब से इसकी अभी अर्निंग पर शेयर चल रही है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो अच्छी खासी आ जाती है, डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो डिप है ये एक मौका भी है, जैसे कि 40 रुपीज़ के अराउंड भी एक डिप थी, वो भी मौका थी। यहाँ पे जो लेबल नज़र आता है वो अभी हम लोग चार्ट पे देख के पता करते हैं कहाँ पे एंट्री आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। ये देखिए, हम लोगों ने इसको 30 रुपीज़ से 60 पे बताया था मैंने, और 60 के अराउंड इसमें प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ गए थे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 1 मिलियन लोग इसको होल्ड करके चल रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग शेयर को होल्ड करके चल रहे हैं। समझ लीजिए कितना बेहतरीन शेयर है। यहाँ पे एवरेज वैल्यूम की बात करें तो 10 डेज का जो एवरेज वैल्यूम है वो 34 मिलियन का है, तो काफी ज्यादा शेयर एक्टिव भी रहता है। कंडीशन वाइज भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपडेट ले लेते हैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे। तो यहाँ पे आपको ट्रेडर्स दिखाई देगा कि मार्केट कैपिटल जो है वो 29,255 करोड़ की है, बुक वैल्यू 28.70 रुपीज़ है। तो आपको बुक वैल्यू के अराउंड शेयर मिल जाता है, करंट वैल्यू आपको पता ही है। तो इस हिसाब से इसकी फेस वैल्यू देखें तो 10 है। पिछले जून के जो नंबर रहे हैं वो ढीले थे मार्च वाले से, अप्रैल और मई मंथ इतना बेहतर नहीं गया था, पर हाँ कंपनी रिकवर कर रही थी, पर वापस से वही डिप का इसको देखना पड़ा। यहाँ पे आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखेगी 87.4% की है, शानदार होल्डिंग है। सेल में इतना कुछ इजाफा नहीं हुआ है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 83.40 रुपीज़ तक कंपनी गई है। यहाँ पे ROE इतना पिछले 12 महीने का ठीक नहीं था, पर हाँ यहाँ पे जो एक और भी देखने वाली बात है वो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग, वो है 36.6%। तो इस हिसाब से इसकी कंडीशंस चल रही है। आपको मैं बताऊं ड्रेस, इसमें लोग इसलिए इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेन है उन लोगों का लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी कंडीशन है लोगों को बहुत उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत ज़्यादा कंपनी रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, जैसा कि भी दिया भी। 30 रुपीज़ हम लोगों ने मतलब एक साल से होल्ड किया था और 60 रुपीज़ से अब तक शेयर गया, तो अच्छा रिटर्न मिला, मतलब 100% से ज्यादा का रिटर्न कंपनी ने दिया। नेट कैश फ्लो की बात करें टेस्ट तो यहाँ पे अभी जो है वो बेहतरीन FY21 का जो आया नेट कैश फ्लो वो काफी बेहतरीन था, बिजनेस इनका स्मूथली चल रहा था। पर हाँ यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़े चिंता वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए थोड़े थोड़े जो है इसमें गिरावट है, और मार्च से जून में भी गिरावट है 39.98 से 36.56।
पर यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट और अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है, गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी अच्छी है, और उसके बाद पब्लिक के पास भी 32.21% की होल्डिंग आ जाती है। तो इस हिसाब से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न नज़र आते हैं। चार्ट पे अपडेट लेते हैं, तो चार्ट पे देखिए ट्रेड्स, अगर आपको इसमें बाई करने के लिए जाना है तो आप इसको 45 रुपीज के अराउंड तक इसमें एंट्री ले सकते हैं, और जो टारगेट है वो हम लोगों का 54 रुपीज 60 पैसे का है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड है 61 रुपीज 50 पैसे का, और थर्ड टारगेट जो है वो 68 रुपीज 15 पैसे का है। अगर आप इसको और डिप में लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 40 रुपीज़ के अराउंड तक देख सकते हैं आने के लिए, और नंबर की भी देखिए अगर नंबर बेहतर आते हैं नेक्स्ट वाले तो वो भी काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है हम लोगों के लिए, तो नंबर का भी इंतज़ार रखिए, और अगर आप एंट्री लेना चाहते तो ले सकते हैं। क्योंकि ये देखिए ये जो स्लोप डिप की थी, यहाँ पे आपको एक दिखेगा कि एक अच्छा लेवल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक बैलेंस टाइप का मिल जाएगा 140 रुपीज़ के अराउंड, तो आप इसके मतलब 40 रुपीज़ से लेके आप इसको 48 रुपीज़ तक बाई कर सकते हैं अच्छी एंट्री के साथ, और जो टारगेट मेंशन है वो टारगेट आप फॉलो करके चल सकते हैं। कंपनी अच्छी है, अगर आप इसको लॉन्ग व्यू रखते हैं तो आपको इसमें और बड़े टारगेट 100 अबव भी दिख सकते हैं, अगर बैंक अच्छा और परफॉर्म करता है तो। फिलहाल तो इसके देखिए रेवेन्यू जो जनरेट हो रहे हैं ट्रेडर्स वो तो हो रहे हैं, पर स्टिल इसके जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये देखिए रेवेन्यू तो जनरेट हो रहे हैं, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, पर यहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस जो है वो काफ़ी बड़े आ रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनेंसिंग प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो बैंक जो है वो चूक कर रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। पर हाँ अगर आपका व्यू है लॉन्ग टर्म का और कंडीशन वाइज, क्योंकि देखिए आपको पिछले नंबर देखेंगे 3 लगातार ठीक ठाक थे, यहाँ पे जून वाला जो नंबर है वो सरप्राइजिंगली काफ़ी वीक था, जिसकी वजह से डाउनफॉल काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिली, तो नेक्स्ट नंबर की उम्मीद है कि बेहतर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेटेड देखिए 0.41 है जो कि एक प्लस टाइप जाता है, तो इसलिए आपको ये व्यू लेके चलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंपनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को कर दें और लोगों के साथ शेयर, जिससे और लोगों को ये शेयर रिकमेंड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।